सो गुड मॉर्निंग आनंद आश्रम, यू आर ऑल आवर फैमिली। तालियां तो बजाइए। सबसे पहले हमारे बहुत ही, आप सबको तो मैं वेलकम करता ही हूँ, फिर से कर रहा हूँ, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण सपोर्टर कॉरपोरेट्स से तीन मेहमान आज आए हुए हैं, उनका हम स्वागत करते हैं जोरदार तालियों से। श्री मिलिंद वैद्या, श्री राकेश पामुला और श्री हितेश भाई सांगाणी। ये स्पेशली भरूच से इंडोबाइजिन कंपनी, जो हमारी बहुत बड़ी सपोर्टर हैं आशाएं प्रोजेक्ट के लिए, वहाँ से रिप्रेजेंट करते हुए आए हैं। आज आशाएं को 7 साल हो गए, 7 ईयर्स निरंतर लगातार हम बच्चियों को सपोर्ट करते आ रहे हैं। और जो सेवा 16 लड़कियों से शुरू हुई थी, आज 200 तक पहुंची है, हर साल 200 हो रही है। 1200 लड़कियों को हम अब तक सपोर्ट कर चुके हैं और ये यात्रा निरंतर। छाबरा सर ने जब, उनके दिल में ये ख्याल उमगा होगा कि भाई इस तरह बच्चियों को सपोर्ट करना चाहिए, उनकी एक बड़ी रसप्रद कहानी भी है, कैसे वो भावुक हो गए थे लड़की की कहानी सुन के, वो सब आप जानते हो। तो उन्होंने भी शायद नहीं सोचा होगा कि इतनी अच्छी तरीके से ब्रह्मांड उन्हें मदद करने वाला है। तो मुझे लगता है कि सबसे हैप्पी सोल, जो माली एक बाग को जब सजाता है तो सबसे हैप्पी सोल छाबरा सर होंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। स्पेशल धन्यवाद मैं उनको मेरी और वंदना जी की ओर से दूंगा, क्योंकि उन्होंने हम दोनों में बहुत श्रद्धा रखी और हमें दिया इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए। उसके लिए भी हम उनके खूब आभारी हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही आनंद मिल रहा है। और आप लोग जो इंटरव्यू पैनलिस्ट जो हैं, वो हमें इतना सुंदर सपोर्ट हर साल देते रहे हैं, वो हमें बहुत ही भाता है और आप सबको मिलके बहुत ही आनंद होता है। एक छोटी सी फटाफट मैं क्विक इंट्रोडक्शन सबकी दे देना चाहूँगा, जिनको मैं नहीं जानता वो प्लीज़ अपनी इंट्रोडक्शन खुद दें। इंट्रोडक्शन में सिर्फ नाम कहना है। मिसिस रमाबेन होस्कोते, राइट। ये हमारे मयंक श्रीवास्तव जी हैं, जो कि वंदना जी के हस्बैंड हैं और बेसिक स्कूल में टीचर हैं, प्रिंसिपल बनने के कगार पे हैं। ये हमारे नए मित्र हैं राजन जी सुले, ये सोलापुरकर जी के रिलेटिव हैं। डॉक्टर सोलापुरकर को हम सब अच्छी तरह जानते हैं, हेरिटेज एक्सपर्ट और योगाचार्य। कमलेश भाई जोशी, हमारे बहुत ही सुंदर सेवक, उनकी वाइफ दीपिका जी। आरती पांडे को कौन नहीं जानता, जयेश पांडे को कौन नहीं जानता, ये है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वाटर डेवलपमेंट अथॉरिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, है ना जी, और प्लानेट प्रोटेक्टर, बहुत ही सुंदर सा ग्रुप चलाते हैं। ये है वंदना जी की बेटी लावण्या। रस्तोगी जी को सब जानते हैं, वो अपना करियर काउंसिलिंग बहुत ही अच्छे से चलाते हैं। मुझे सर बहुत खुशी हुई जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारी एक बच्ची ने इनका नाम लेके कहा कि रस्तोगी जी की काउंसलिंग से मुझे आज इतनी अच्छी जॉब मिली और मैं ये फाइनेंस के फील्ड में हूँ, तो दैट वाज आवर अचीवमेंट। ये सब जो रिजल्ट हमें, इम्पैक्ट, जो सोशल इम्पैक्ट हमें दिख रहा है आशाएं का, वो गजबनाक है। मैं आपसे कहूँ, बच्चियाँ आगे बढ़ रही हैं, कोई बच्ची MBA बन के HDFC बैंक में नौकरी लगे हम सोच भी नहीं सकते। एक लड़की आई थी जो बोलती है, सर मुझे अब्रॉड जाने की तैयारियाँ करनी है। मैंने कहा वंडरफुल यार, और थ्रू आउट हमने आशाएं में उसे सपोर्ट किया है, इससे ज़्यादा फुलफिलिंग फीलिंग हो नहीं सकती ना। रस्तो जी, ये अनिल लोहारिया जी, हमारे बड़े ही वेटरन और सीनियर सेवक अनिल लोहारिया जी। रेखाबेन आशर, बहुत ही प्यारी सी लेडी, धन्यवाद आने के लिए। ये है लक्ष्मी रवि जी, सीनियर सिटीजन ग्रुप की सर्वे सर्वा, बहुत सुंदर काम कर रहे हैं आप लोग। हेमाबेन रायजादा, बहुत ही अच्छी डोनर सेवक और हमेशा तैयार। संध्या पांडे जी, प्रिंसिपल पद्मावती स्कूल सुभानपुरा में, हमेशा तैयार रहती है सेवा के लिए। अनीता खड़े जी, बहुत अच्छा जीवन मूल्य चला रही है। किशन जी झावर, आप क्या करते हैं सर? ये CA है, वंडरफुल। ये हैं हमारे मित्र कुलकर्णी जी, जयंत कुलकर्णी, बहुत ही सुंदर सेवक। ये हरिओम सेवा ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं अंशुमन शाह, उनकी वाइफ प्रवीणाबेन शाह। ये अपनी इंट्रोडक्शन खुद देगी। ये है मिसेस भिंडे, तू बोल। प्रदीप सर,
ये है भारती बहन मेहता और ये है हमारी हेमा बहन शुक्ला, हमारी पुरानी और बहुत अच्छी सी सेवक। तो ये इंट्रोडक्शन हो गई। इन सब की इंट्रोडक्शन वंदना जी को तो आप जानते ही हैं, सर को आप जानते हैं, इनकी इंट्रोडक्शन मैंने करवा दी। बस दो तीन छोटी बातें कह के यहाँ पर मैं शांत हो जाऊँगा और उसके बाद हम इंटरव्यू प्रोसेस शुरू करेंगे। आशाएँ, छोटी छोटी आशाओं पर टिका है जीवन का आधार। सर सुनिएगा, छोटी छोटी आशाओं पर टिका है जीवन का आधार। बिना आशा के ये जीवन लगता है नीरस अपार। सुख दुख जैसे चक्कों पे चलती है जीवन की गाड़ी। आशाएं देती है इसको संबल रूपी ईंधन भारी। संबल यानी सपोर्ट। जब जीवन नैया लगती है दुर्गम करने को पार, पार लगाने आती इसको आशाओं की पतवार, जो कि सर जैसे फरिश्ते लाते हैं। आशाएं करती है इस जीवन का अर्थ साकार, क्योंकि छोटी छोटी आशाओं पर टिका है जीवन का आधार। यहाँ पर मैं समाप्त करूँगा अपना वक्तव्य। बहुत बहुत धन्यवाद। और वंदना जी से कहूँगा कि वे भी दो शब्द कहें, उसके बाद सर बोलेंगे। थैंक यू। आप सभी लोग मुझे जानते हैं बहुत अच्छे से, और जैसा प्रदीप सर ने बोला कि उस दिन जब बच्ची ने बोला, पूर्वी ने, कि सर्वे सर ने काउंसलिंग की और वो आगे बढ़ रही हैं, हमारे लिए सारी बच्चियाँ बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इन बच्चियों का जो चयन होता है, जो प्रोसेस है जो आज होने वाला है, वो आप लोगों के माध्यम के, आप लोगों के सहयोग के बिना हो नहीं सकता। तो मेरा एक इतना छोटा सा एक बात रहेगा कि आप लोगों का मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि आप लोग, मुझे पता है संडे एक फैमिली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और हम लोग अपना कीमती समय इस सेवा को दे रहे हैं, तो आप लोगों का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। आप लोग भी इतनी दूर से हम सारी बच्चियों का इतना अच्छा प्रोसेस देखने आए, सर आप लोगों का अभिनंदन और आभार व्यक्त करती हूँ। 50 वर्ष की उम्र में जब ईश्वर जी ने प्रेरणा दी थी कि पैसों के साथ के संबंध त्याग के फुल टाइम सेवा में लग जाओ, तब ईश्वर जी के साथ वार्तालाप में ईश्वर जी से बात हुई। मैंने कहा ईश्वर जी जो आदेश वो सिर्फ आंखों पर रख के अमल, और वहां से सेवा का कार्य शुरू हुआ। हमें क्या पता था 15 वर्ष पहले कि वो जो निकल पड़े थे सेवा में वो ये प्यारा सा कारवां बन जाएगा। ईश्वर जी को पूछा कि ईश्वर जी प्रेरणाएं इतनी हैं, व्यवस्थाएं कहां से होंगी? तो ईश्वर जी ने बोला उसकी फिक्र मत करो, चले चलो, कदम कदम पर मेरे फरिश्ते तुम्हें मिलेंगे और जितने भी सेवा के संकल्प करोगे वो सब पूर्ण हो जाएंगे। और वो 15 साल वाली बात देखो आज कितनी अच्छी प्रूव हो रही है। आप सब सेवा के फरिश्ते हैं, मेरा आप सबको नमन। आशाएं सेवा अब क्योंकि शुरू होनी है इसीलिए मैं ज़्यादा लंबा समय को लूँगा नहीं। आशाएं सेवा ये सोच के शुरू की गई थी कि हम क्यों ना कुछ बच्चियों को सपोर्ट करें तो जीवन धन्य हो जाएगा। पर वो कुछ बच्चियों का मामला बढ़ते बढ़ते देखिए आज आनंद आश्रम ने आप सबके कोऑपरेशन, आप सबके इन्वॉल्वमेंट, आप सबके मार्गदर्शन में 1200 से ज़्यादा बच्चियों की लाइफ को अपन पॉजिटिव इम्पैक्ट कर चुके हैं। जो ईश्वर जी ने बोला था कि फरिश्ते मिलेंगे, उसमें एक फरिश्ता ईश्वर जी ने इंडोबाइजिन को भी भेजा। इंडोबाइजिन न केवल आशाएं के कोलैबोरेटर हैं, वो तो एक प्रोग्राम हुआ, पर इंडोबाइजिन ने वो सपोर्ट किया है जो आने वाली जनरेशंस तक इंपैक्ट करेगा। दे आर अवर पार्टनर्स इन बिग सेवा ड्रीम, जो अपन हैप्पीनेस होम फॉर द सीनियर्स क्रिएट करने जा रहे हैं, उनमें इंडोबाइजिन का सबसे बड़ा योगदान है। आप ये हमारा संदेश अपनी कंपनी के टॉप तक पहुंचाइए कि आप द्वारा दिया हुआ सपोर्ट किक स्टार्ट प्रूव हो रहा है। जीवन में मोस्ट डिफिकल्ट स्टेप इज द फर्स्ट स्टेप, और वासु आर्या जी ने
बीना मोदी जी ने, इंडोबाई जी ने वो पहले कदम को सरल कर दिया। ईश्वर जी कहते हैं पहला कदम आप उठाओ, बाकियों के कदम में वो भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। तो हमारा बहुत बहुत धन्यवाद जिस तरीके से आप सभी प्रेरणा और सपोर्ट प्रूव कर रहे हैं। बिफोर आई एंड मैं निवेदन करूंगा आए हुए मित्र मिलिंद जी, राकेश जी, हितेश जी, आप अपने कुछ शब्द एक्सप्रेस करें, हमें खुशी होगी। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। मेरा नाम है मिलिंद वैद्य, आई एम ए DGM फॉर इंडोबाइजिन केमिकल। मेरा सभी को नमस्कार। मैं ये मानता हूँ कि जैसे अभी छाबरा साहब ने बताया कि ईश्वर की अनुमति से ये उपक्रम चालू हो गया, और मैं ये मानता हूँ कि ईश्वर ने इंडोबाइजिन को चुना आनंद आश्रम के जरिए। तो ये हमारा सौभाग्य है इंडोबाइजिन का कि इंडोबाइजिन को ये संधि प्राप्त हुई, उपलब्ध हुई कि हम इसमें कुछ, इसमें हमारा कुछ सहभाग कर सके। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, लेकिन मुझे दो केसेस बताने हैं जो कि बहुत इंस्पिरेशन है। उसमें बेसिक इंट्रोडक्शन देता हूँ इंडोबाइजिन केमिकल का, कुछ लोगों को मालूम होगा, कुछ लोगों को मालूम नहीं होगा। इंडोबाइजिन केमिकल ये एक KK मोदी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ है। KK मोदी मीन्स कृष्ण कुमार मोदी, जो ललित मोदी के पिताजी हैं। तो उनके कई सारे बिजनेस हैं, लेकिन अभी अपने में कृष्ण कुमार मोदी साहब नहीं रहे, तो जितने भी कृष्ण कुमार मोदी साहब के बिजनेस है, इंडस्ट्रीज़ है, उसको हैंडल कर रहे उनकी मिसेस, उनकी पत्नी डॉक्टर बीना मोदी। तो शी इज़ ऑल्सो अ लेडी, शी इज़ हैंडलिंग ऑल दिस बिजनेसेस, सो आई थिंक वी शुड हैव अ क्लैप ऑन दैट। बेसिकली ये नारी शक्ति, इसके बारे में बहुत मैं इंस्पायर हुआ हूँ। एक्चुअली हमारी जो अभी चेयरपर्सन है मिसेस बीना मोदी, सो शी इज़ ऑल्सो लेडी, आई एम रियली इंस्पायर्ड ऑन हर एक्चुअली। और दो कुछ केस में बताना चाहता हूँ। अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी साहब ने अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने इसको ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये जो उपक्रम है उसको बहुत महत्व दिया है। तो हाल ही में रिसेंटली हमने G20 समिट हुआ था गांधीनगर में, वहाँ पे हमको इंडोबाइजिन को इनविटेशन आया था, तो हमने उसमें सहभाग लिया था। उसमें मिनिस्टर मिस स्मृति ईरानी ने वहाँ पे उनका प्रेजेंस था, तो काफ़ी फॉरेन डेलीगेट्स भी आए थे, लेकिन एक इंडियन डेलीगेट जो थी उसमें मैं बहुत इंस्पायर हो गया। आप लोगों को शायद पता होगा, शायद पता भी नहीं होगा, आपने नाम सुना होगा 5-star होटल्स द ललित। यस राइट। तो ये द ललित होटल्स जो है इसकी जो चेयरपर्सन है वो मिसेस ज्योत्सना सूरी है, और ये द ललित 5-star होटल्स 450 होटल्स है 65 कंट्रीज में। ऑल दीज आर 5-star होटल्स, और ये बिजनेस संभाल रही है मिस ज्योत्सना सूरी। तो उसका इंटरव्यू जब हुआ था तो उसने बताया था कि 2016 में उनके पति का देहांत हो गया, मिस्टर ललित सूरी। ये होटल का नाम जो ललित है वो उनके मिस्टर का नाम था द ललित। तो ललित सूरी जी का देहांत हो गया 2016 में, और तब ये मिस ज्योत्सना सूरी वॉज हाउसवाइफ। लेकिन उनके देहांत के बाद इतना पूरा सब जो बिजनेस है वो उनके मिसेस ने, ज्योत्सना सूरी ने संभाला। तो यू कैन इमेजिन
450 hotels in 65 countries and the chairperson is a lady. So I was really impressed on her speech actually. कि उसने मतलब इतना बड़ा बिजनेस संभालना ये बहुत शक्ति होनी चाहिए इसमें. और मैं बहुत इंस्पायर हो गया है तब से कि नारी शक्ति क्या होती है. एंड रियली और एक मैं केस बताना चाहता हूँ, शायद आप लोगों को मालूम होगा. मिस सुधा मूर्ति, आपने नाम तो सुना yes. होगा राइट तो मिस सुधा मूर्ति जो इन्फोसिस के चेयरमैन है मिस्टर नारायण मूर्ति, उनकी वाइफ, और जो इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर ऋषि सुनक, उनके सास ससुर राइट. शायद आप लोगों को ये मालूम होगा मिस सुधा मूर्ति की कहानी. मैंने एक इंटरव्यू में सुनी थी, मैंने देखा था वो इंटरव्यू. सुधा मूर्ति जी इज द फर्स्ट लेडी इंजीनियर. She has started her engineering in the year 1968 and she has completed her engineering in 1972. So, uski kahani aisi hai ki when she has completed her engineering, normally pehle aisa tha ki engineering complete hone ke pehle hi campus interview hota tha. Kafi bade bade companies college mein jaake campus interviews leti thi. तो उस टाइम टाटा का जो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के कुछ मैनेजर आए थे कैंपस इंटरव्यू के लिए सुधा मूर्ति के कॉलेज में. उन्होंने ये बताया था सुधा मूर्ति ने कि मैं अकेली लड़की थी इंजीनियरिंग स्टूडेंट, बाकी सब लड़के थे. तो काफ़ी कंडीशन मुझे रखी गई थी कि मुझे कैंटीन में जाना नहीं है, लड़कों से बात नहीं करना है. और उस टाइम तो कॉलेज में लेडीज़ टॉयलेट भी नहीं था क्योंकि कोई गर्ल एडमिशन ही नहीं लेती थी. बट शी हैज़ डन हर इंजीनियरिंग इन दोज कंडीशन. तो जब भी कैंपस इंटरव्यू हुआ इनके कॉलेज में, तो वो टाटा की जो हेड्स थे मैनेजर्स थे उन्होंने इनका इंटरव्यू नहीं लिया. उन्होंने सुधा मूर्ति का इंटरव्यू नहीं लिया. उन्होंने बोला कि नहीं, हम लड़की को कंपनी में जॉब नहीं दे सकते. तो इसको शी वॉज डिसअपॉइंटेड. तो थोड़ा सा अंदर नाराज़गी हो गई, गुस्सा आ गया कि ऐसे कैसे है कि लेडी को क्यों नहीं, गर्ल हो तो क्या हुआ, काम क्यों नहीं मिलना चाहिए. तो उसने टाटा जी को, जेआरडी टाटा वॉज द चेयरमैन ऑन दैट टाइम, उन्होंने एक लेटर लिखा. उनको एड्रेस भी मालूम नहीं था, गूगल भी नहीं था, लेकिन उन्होंने सिर्फ लिखा जेआरडी टाटा मुंबई. और वो लेटर जेआरडी टाटा के पास चला गया. जेआरडी टाटा जी ने वो पढ़ा और उनके जो हेड्स थे उनको मीटिंग के लिए बुलाया कि हम कोई गर्ल को या लेडी को जॉब क्यों नहीं दे सकते. तो उसने वो लेटर में लिखा था सुधा मूर्ति जी ने कि आप अगर नारी शक्ति को बढ़ावा नहीं देंगे तो ये देश की प्रगति कभी नहीं होगी. यस yes. तो उसने इतना मजकूर लिखा था वो लेटर में कि यू शुड इंस्पायर, यू शुड गिव मोटिवेशन टू नारी शक्ति, यू शुड क्रिएट अ जॉब्स टू गर्ल्स एंड लेडीज. एंड दैट लेटर वॉज वेरी इंस्पायरिंग टू मिस्टर जेआरडी टाटा. जेआरडी टाटा साहब बहुत इंस्पायर हो गए. उन्होंने फिर वो पैनल को बुलाया इंटरव्यू लेने वाले, और फिर उसको सुधा मूर्ति को जॉब दिलवाया. तो ये मेरे लिए बहुत इंस्पायरिंग लगा कि नारी में वो शक्ति है, अगर चाहे तो कुछ भी कर सकती है. तो ये जो उपक्रम आनंद आश्रम जो कर रही है ये बहुत ही अच्छा उपक्रम है, और इसका हम इंडो बायजिन एक हिस्सा है, इसका हमको अभिमान है. थैंक यू. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू.
नमस्कार नेशन प्लस न्यूज में आपनु स्वागत छे। हूँ चुदौर परमार। आनंद आश्रम चेरिटेबल ट्रस्ट द्वारा दर वर्षनी जेमा शैक्षणिक वर्ष में पण तेमना आशाए प्रोजेक्ट अंतर्गत यूनिवर्सिटी में अभ्यास माटे विद्यार्थीओनी फीनी सहाय करवामां आवी हती। आनंद आश्रम चेरिटेबल ट्रस्ट दर शैक्षणिक वर्ष में तेना आशाए प्रोजेक्ट अंतर्गत यूनिवर्सिटी में अभ्यास माटे विद्यार्थीओने छेल्ला 7 वर्षथी फीनी सहाय करे छे। आनंद आश्रम ने सतत 7 वर्षथी चालती आ विशिष्ट सामाजिक सेवाए सरकारनी बेटी पढ़ाओ मुहिम में खूब ज अगत्यनो भाग भजव्यो छे। उपरांत स्त्री सशक्तिकरण क्षेत्र में पण भणी गणीने आगळ वधी जती विद्यार्थिनीओ बहार आवीने उत्तम सकारात्मक कार्यो द्वारा पोताना परिवार तथा समाज ने अत्यंत सुंदर रीते उपयोगी थई रही छे। अने फाधर शुं करे छे? सिक्योरिटी। मधर? हाउसवाइफ। हाउसवाइफ। बात क्या करने का है आपका? आपने सोचा है एमकॉम करें? और कोई पर्टिकुलर उसमें सब्जेक्ट या? वो तो सिलेक्ट करने आए गए तब। अच्छा, अभी आपने सोचा नहीं? नहीं। शू नाम है बेटा तारू? प्रेरणा से लिख कर उसको। प्रेरणा? हाँ। अच्छा, फादर शू करे छे? एक्चुअली पप्पा ने हमरा कशु ज नथी केम के अच्छा मेडिकल नु चालतो ने बे वर्ष तो हमरा ए घर घरे ज छे। अच्छा, तो मम्मी सिंगल अंत। हां, तो तमे जॉब करो छो? सेमा करो छो? स्कूल मा जॉब। अच्छा, तुम्हारे मंथली इनकम केटली छे? 1900 छे, थोड़ो कमाई ने 1500 5 600 जे रजा हो। राइट। तुम्हारे ब्रदर सिस्टर कोई? सिंगल। आनंद आश्रम से सभी सेवकों का, ट्रस्टियों का, हरिओम सेवा ट्रस्ट के सभी मेंबर्स, ट्रस्टीज एंड रिस्पॉन्सिबल वॉलंटियर्स को सप्रेम नमस्कार। मित्रों, ईश्वर जी ने कितने शानदार तरीके से इस वक्त हरिओम सेवा ट्रस्ट और आनंद आश्रम को एक साथ सेवा में जोड़ा है। आशाएं में जिस तरीके से आपका कोऑपरेशन सपोर्ट हमें मिल रहा है, जो बच्चियों तक पहुंचाया जा रहा है, हमें कॉन्फिडेंस है कि हम दोनों संस्थाएं मिलकर इन बच्चियों के फ्यूचर को इम्पैक्ट कर पाएंगे। आपका किन शब्दों में मैं धन्यवाद एक्सप्रेस करूं? तहे दिल से हम सब आपके शुक्रगुजार हैं। थैंक यू वेरी मच हरिओम सेवा ट्रस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। एक्चुअली आनंद आश्रम ने जो बच्चियों को पढ़ाने का चालू किया वो बहुत ही उम्दा कार्य था, बिकॉज इन द इन आवर कंट्री अनफॉर्चुनेट पार्ट इज टिल इवन इन द 21st सेंचुरी दे आर ट्रीटेड ए सेकेंड ग्रेड सिटीजन इन द फैमिली। उनको अच्छी तरह से पढ़ाया नहीं जाता है या जल्दी शादी कराई जाती है। उन्होंने छाबरा जी ने जो चालू किया ये आशाएँ ये लड़कियों को पढ़ाने का, वो बहुत उम्दा कार्य था और वो भी भगवान का शुक्र है कि हम भी उनके साथ जुड़े हैं। राजेश जी, आज इस सिलेक्शन प्रोसेस के माध्यम से हमारे आपको ग्रीटिंग्स एंड लॉट्स ऑफ थैंक्स फॉर योर काइंडनेस एंड सपोर्ट। जी सर, जनावजो के आशा प्रोग्राम के रीते कार्यरत छे, કેટલી બાળકો ને આપણે સહાય આપી રહ્યા છે શું? આનંદ આશ્રમ થી આપ સૌને સપ્રેમ નમસ્કાર। ઈશ્વરજીના આનંદ આશ્રમ અને આનંદ આશ્રમની સેવા ઉપર વિશેષ કૃપા છે, વિશેષ આશીર્વાદ છે। એ પ્રૂફ કેવી રીતે થાય? જે 15 સેવા આનંદ આશ્રમ વર્ષોથી આપી રહ્યું છે, નિરંતર એનો ગ્રોથ થઈ રહ્યો છે, એનો પ્રોગ્રેસ થઈ રહ્યો છે। 15 સેવાઓમાંની એક સેવા આશાએ બહુ મહત્વની સેવા છે। આપણા સમાજને, દેશને જો વધારે સ્પીડથી આગળ લઈ જવું હોય, જે લઈ જવું છે, અમારો ભારત મહાન આગળ વધી રહ્યો છે, એમાં બહેનોનો અને દીકરીઓનો ખાસ ફાળો છે। હવે દીકરીઓનો ફાળો કહીએ તો આપણી જવાબદારી શું એમના પ્રતિ? એ તો અત્યારે દીકરીઓ છે, નાની છે, એમને સપોર્ટ જોઈએ। કાલની લીડર્સ છે, કાલનો ગ્રોથ એન્જિન છે આપણી દીકરીઓ, એમના સપોર્ટ માટે એવી દીકરીઓ જે યુનિવર્સિટી એજ્યુકેશન લેવા માંગતી હોય, હિંમત છે, ધગસ છે, પણ પૈસા નથી યુનિવર્સિટી ફી ભરી શકવાના, એવાને આનંદ આશ્રમની આશાએ સેવા અંતર્ગત સપોર્ટ કરવામાં આવે છે। નમસ્કાર। આનંદ આશ્રમ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ વતી હું આપની સમક્ષ ઉપસ્થિત છું। મારું નામ પ્રદીપ ભિંડે છે। આનંદ આશ્રમની અનેકવિધ સામાજિક સેવાઓ ચાલી રહી છે વર્ષોથી,
11 वर्ष तो ऑलरेडी थई चुक्या छे, जेमां एक अति महत्वाकांक्षी महत्वनी सेवा छे आशाए, स्त्री सशक्तिकरण अने बेटी पढ़ाओ कैम्पेन जे सरकारनुं चाली रह्युं छे तेमां आनंद आश्रमनुं एक नानकड़ू योगदान। और ईश्वर की प्रेरणा आपके सपोर्ट से ये सेवा फल फूल रही है। अब जो कुछ पॉइंट्स मेरे जहन में हैं और एक्सप्रेस करना चाहता हूं, मेरा देश भारत महान था, महान है और महान रहेगा। जो मेरा देश सोने की चिड़िया था और बीच में अंग्रेजों के आने पर, विदेशी दूसरी ताकतों के आने से हमारी कुछ चीजें नष्ट हुई, अब हमारा देश प्रगति के रास्ते पर वापस लौट आया है। और मुझे कॉन्फिडेंस है प्रगति की ये जो नई वेव आई है ये हमें वापस हमारी ओरिजिनल पोजीशन सोने की चिड़िया तक पहुंचाएगी। अब वापस उस प्रगति की ऊंचाई पर पहुंचने के लिए हमें चाहिए क्या? सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है शिक्षा। और शिक्षा की बात करें तो वो शुरू होती है बच्चों से। तो आनंद आश्रम के जो विभिन्न 15 सेवा प्रोग्राम्स हैं उसमें एजुकेशन मेन है। हमें मदद कहाँ से आती है? सो पहला श्रेय तो ईश्वर जी को जाता है। हम तो संकल्प कर लेते हैं कि हमने क्या करना है और ईश्वर जी फरिश्ते भेज देते हैं और रास्ते बन जाते हैं। कुछ लोग इंडिविजुअल, बहुत सारे लोग हैं, कुछ यहाँ भी बैठे हैं जिन्होंने अपना सपोर्ट दिया है और हमेशा देते रहते हैं, और कुछ संस्थाएं हैं जिनके पास CSR बजट्स होते हैं। और क्योंकि आनंद आश्रम ने अब वो स्टेटस ऑफ प्रेस्टीज एंड रिप्यूट बन चुका है तो कुछ संस्थाएं जो हमें निरंतर मदद करती हैं उनमें इंडो बाईचीन जो हमें बिग सेवा ड्रीम स्वर्ग बनाने में भी मदद डिक्लेयर की हुई है, शुद्ध केमी पिछले कई सालों से हमारे विभिन्न प्रोग्राम में सपोर्ट करते हैं, हरिओम सेवा ट्रस्ट बच्चियों की एजुकेशन में सपोर्ट करते हैं, जेपलिन सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड काफ़ी सारी सेवाओं में उनका सपोर्ट रहता है, ज़्यादातर साइलेंट रहते हैं, और बहुत सारे ऐसे साइलेंट डोनर्स हैं जो चाहते हैं कि उनका नाम और रेफरेंस न लिया जाए तो उनको मान और सम्मान देते हुए बेस्ट वैल्यू बेस्ट वैल्यू कैम एजुकेशन में काफ़ी फोरफ्रंट पर है, वो बहुत बड़ी नेशनल एंड इंटरनेशनल कंपनी। यश हाई वोल्टेज, यश हाई वोल्टेज यस, कयूर भाई की कंपनी, दे आर वेरी हेल्पफुल, और हम उन सबके और इंडिविजुअल डोनर्स के आभारी हैं, और आभारी हैं आप सबके के जो हमें सेवा के अवसर में सपोर्ट करते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच, आप आए हमें खुशी हुई, बहुत बहुत धन्यवाद। माय नेम इज़ दर्शना प्रजापति, मैं अभी MS यूनिवर्सिटी से BCom ऑनर्स कर रही हूँ इन स्पेशलाइजिंग इन मार्केटिंग मैनेजमेंट। मुझे आनंद आश्रम से बहुत हेल्प मिल रही है मेरी यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस पे करने के लिए, फिर यहाँ से मुझे बहुत सारे प्रोग्राम्स मिलते हैं जिसमें स्किल कैसे इम्प्रूव करते हैं, फिर करियर काउंसलिंग के लिए, तो वो सारी चीज़ें अपने फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हमें फ़ीस मिल जाती है पर आगे पाथ कौन सा सिलेक्ट करना है उसके लिए आनंद आश्रम मुझे हेल्प करता है। मेरे साथ बहुत सारी और लड़कियाँ भी हैं जिनको ये हेल्प मिल रही है और आगे और लड़कियाँ भी जुड़ रही है हमारे साथ। आनंद आश्रम से मुझे 1 ईयर से मतलब प्लेसमेंट मिला था, और वो प्लेसमेंट भी मुझे आनंद आश्रम से ही प्रोवाइड किया गया था। वहाँ पे मैं अभी कंटिन्यू कर रही हूँ जॉब पार्ट टाइम के लिए, जिससे मैं अपनी फैमिली के लिए भी हेल्प कर सकती हूँ और वो लोग भी अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं बच्चों को पढ़ाना चाहिए वो सारी चीज़ें, तो वो उसमें भी आनंद आश्रम ने बहुत हेल्प किया है, सो थैंक यू फॉर दैट। हेलो, माय नेम इज़ गायत्री श्रीखंडे, मैं MS सेकेंड ईयर में हूँ और मेरी स्टडी के साथ मेरी जॉब भी चल रही है 2 मंथ से।
मैं 2018-19 में आनंद आश्रम से जुड़ी हुई हूँ और इसका प्रेफरेंस मुझे हमारे प्रिंसिपल ने दिया था, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँची और मुझे आगे भी पढ़ना है, पढ़ के फिर अच्छी जॉब और अच्छी जॉब में मैं कंटिन्यू करना चाहूँगी और जिससे मेरी फैमिली को भी सपोर्ट मिले और मेरी जैसे जो बाकी लड़कियाँ हैं उनको भी सपोर्ट मिले आनंद आश्रम से, यही मैं उम्मीद करती हूँ उनसे और सभी लड़कियों को भी वो आगे बढ़ाए, उनको भी सपोर्ट करे मेरे जैसा। थैंक यू सो मच आनंद आश्रम यहाँ तक पढ़ाने के लिए और आगे भी मदद करने के लिए, थैंक यू। ओके, माय नेम इज़ महंत पूर्वी एंड मैं आनंद आश्रम से 2018 से जुड़ी हुई हूँ। उस टाइम मेरे फादर का एक्चुअली सिचुएशन थोड़ा वर्स था कि उनको नी पेन था और वो रिक्शा ड्राइवर है, तो वहाँ उस टाइम मुझे फ़ीस की बहुत ज़रूरत थी। जब आनंद आश्रम ने मुझे हेल्प की, आनंद आश्रम से मुझे मेरे थ्रू आउट ग्रेजुएशन और मेरे मास्टर्स की फ़ीस का फ़ीस मिली है, फ़ीस की सहायता मिली है। और जैसे आनंद आश्रम ने मुझे हेल्प किया है वैसे वो बाकी सारी लड़कियों को भी हेल्प करते हैं उनके गोल्स अचीव करने में, उनके ड्रीम्स पूरे करने में, और उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। और आगे जाके अगर मुझे भी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं इसमें अपनी सहायता देने के लिए तैयार हूँ। और थैंक यू सो मच आनंद आश्रम एंड के एस छाबड़ा सर फॉर गिविंग अस दिस मच सपोर्ट, थैंक यू। मारू नाम परमार फाल्गुनी है, मैं एम कॉम कर रही छूँ, मारू बीकॉम पती गयू है। अँ मैं पाँच वर्ष से आनंद आश्रम साथ जोड़ेली छूँ। जयरे मैं 12th पास करूँ तरह मेरी मम्मी ने कैंसर थू अने प्लस मारी मारी मम्मी सींगल मधर है। जयरे मारो जन्म थो त्यार पप्पा नहीं अमरी साथ, तो त्यारम्मी वर्क कर अत्यारुधी भणायु। अने जयरे मेरी 12th की एक्जाम थी तेरे मेरी मम्मी ने कैंसर थू एना पी एना तेरे तेरे अबीर सर अमे संपर्क करो त्यारथी अमे आनंद आश्रम साथ जोड़ेला है। अत्यारुधी पांच वर्ष सुधी आनंद आश्रम अमारी हेल्प करी है। मारी एवी इच्छा है कि हूँ पण आगळ जईने बधी गर्ल्सनी हेल्प करूँ अने मने एवी इच्छा है कि मैं पण आनंद आश्रम साथ जोड़ाऊँ। थैंक यू आनंद आश्रम। मारू नाम पुराणी वंदना है और हूँ हमणां SY छूँ, बीकॉमना MSc यूनिवर्सिटी में। अने हूँ आग जाइने CA बनवा माँगु छू अने स्टडी साथ हूँ पार्ट टाइम जॉब पण करूँ छू कॉम्प्यूटर क्लास में। अने हूँ आनंद आश्रम साथ 1 वर्ष जोड़ेलू छूँ। जयरे हूँ 12th पास करी तू त्यारे अमार स्कूलना प्रिंसिपले अमारो कॉन्टेक्ट करावयो हतो आनंद आश्रम थी, एटले थैंक यू आनंद आश्रम फॉर हेल्प एंड KS छाबरा सर। Thank you.